नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए बीपीएससी ने स्थगित की यह परीक्षा। स्कूल और मोबाइल से पढ़ेंगे बिहार के बच्चे। 23 जनवरी के बाद ही बिहार वासियों को मिल सकती है ठंड से राहत। ट्विटर ला रहा है टिकटॉक जैसा फीचर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए बीपीएससी ने स्थगित की यह परीक्षा। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि इसका असर कई परीक्षाओं पर भी देखने को मिल रहा है। बीपीएससी ने भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 6 फरवरी 2022 को निर्धारित पीटी की परीक्षा की तारीख अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी है। आयोग के संयुक्त सचिव से परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि यह परीक्षा अप्रैल महीने में संभावित है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 50 पदों के लिए इस परीक्षा में 1,80,000 अभ्यर्थियों के आवेदन बीपीएससी के पास आए हैं, जिसके बाद इस समय से जब कोविड-19 का असर काफी है, परीक्षा देना ठीक नहीं बताया जा रहा है। बिहार में मिले कोविड-19 के 3500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3526 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 33122 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 44, अरवल में 47, औरंगाबाद में 60, बांका में 71, बेगूसराय में 143, भागलपुर में 152, भोजपुर में 56, बक्सर में 38, दरभंगा में 88, ईस्ट चंपारण में 50, गया में 47, गोपालगंज में 30, जमुई में 26, जहानाबाद में 15, कैमूर में 19, कटिहार में 47, खगड़िया में 28, किशनगंज में 29, लखीसराय में 92, मधेपुरा में 107, मधुबनी में 40, मुंगेर में 139, मुजफ्फरपुर में 207, नालंदा में 68, नवादा में 10, पटना में 1035, पूर्णिया में 164, रोहतास में 11, सहरसा में 140, समस्तीपुर में 96, सारण में 87, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 32, सिवान में 44, सुपौल में 36, वैशाली में 127, वेस्ट चंपारण में 73 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 25 ऐसे मामले पॉजिटिव पाए गए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,12,221 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 5,907 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक धनवा की। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 ईसा में मुंगेर बिहार में हुआ। वो हिंदी के उन बड़े कवियों में है जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी के प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद हुए हैं। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान मिले हैं। पटना निवासी आलोक धनवा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत हैं। इंटर की बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा हुई शुरू। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों की परीक्षा बीते दिन से शुरू हो गई है। कोविड-19 संक्रमण के खतरों के बीच परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। इस दौरान एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था है। विद्यालय प्रशासन की तरफ से ये की गई है। परीक्षा में जिले के सभी प्रखंडों के परीक्षार्थी पहुंचे थे, जिसके बाद आगामी 29 जनवरी तक चलने वाले परीक्षा में कोविड-19 के माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड की परीक्षा 2 पालियों में ली जा रही है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले केंद्र पर परीक्षार्थी उपस्थित हो रहे थे। परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें प्रवेश कराया गया। केंद्र के बाहर पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, महिला पुलिस और पुरुष पुलिस जवान के साथ तैनात रहे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारक पर हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई और वहां उनके स्मारक की दुर्दशा के मामले पर बीते दिन सुनवाई की गई। इसको लेकर केंद्र सरकार को 21 जनवरी 2022 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। विकास कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। राज्य सरकार की तरफ से बीते दिन दायर किया गया है, जिसमें कोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 जनवरी 2022 को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें संबंधित विभाग के अपर प्रधान सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे, जिनमें पटना और सिवान के डीएम भी शामिल है। इसमें कई तरह के जीरादेई में विकास कार्य के साथ पटना में स्थित बांसघाट से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल और सदाकत आश्रम की स्थिति सुधारे जाने पर विचार और निर्णय किया गया। इस बैठक में जीरादेई गांव से 2 किलोमीटर दूर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण पर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही राजेंद्र बाबू के पैतृक घर और उनके आसपास के क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब इस मामले में कोर्ट ने जवाब देने के लिए 21 जनवरी 2022 तक का समय दिया है।
नालंदा शराब कांड पर के पाठक ने दिया अपना बयान। बिहार में भले ही पूर्ण शराबबंदी के दावे नीतीश सरकार कर रही हो, लेकिन समय समय पर इसकी पोल भी खुल रही है। हाल ही में नालंदा में हुए शराब कांड ने एक बार फिर से सभी के कान खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब इस मामले में जांच पड़ताल में तेजी लाई गई है, जिसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लगाया गया है। उन्होंने ही बताया कि उत्पाद आयुक्त की तरफ से जांच रिपोर्ट के आधार पर नालंदा शराब कांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। पिछले दो दिनों से जहरीली शराब कांड की गुत्थी सुलझाने में मद्य निषेध विभाग और पुलिस के अधिकारी जुटे हुए हैं। पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा छोटी पहाड़ी इलाके में जो भी शराब का धंधा कर रहे हैं, उनके घरों को चिन्हित कर उनके घर को वहां से हटाने का काम भी किया जा रहा है। स्कूल और मोबाइल से पढ़ेंगे बिहार के बच्चे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षकों ने एक नई पहल की शुरुआत की है। कोविड 19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल और मोबाइल अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। स्कूल और मोबाइल अभियान से राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 5वीं से 10वीं तक के छात्र जुड़ सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से फेसबुक से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास की सुविधा कम ही मिल पाती है। इसमें एक बड़ी दिक्कत उनके पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी गैजेट्स का होना है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों के द्वारा शुरू किया जा रहा यह अभियान हर दिन 3 घंटे का होगा। टीचर ऑफ स्कूल के संस्थापक शिव कुमार ने इसकी जानकारी दी है। बिहार के किसानों को इस काम के लिए सरकार देगी 9 लाख तक अनुदान। बिहार के सभी किसान के लिए खुशखबरी। बिहार के किसान अब अपनी फसल की उपज के साथ साथ अपना निजी गोदाम भी बना सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में किसान अब अपना गोदाम खुद भी बना सकते हैं। अनाज के सुरक्षित रखरखाव के लिए किसान छोटे छोटे गोदाम का निर्माण करवा सकेंगे। और सबसे राहत की बात यह है कि इसके लिए उन्हें अपनी जेब से खर्च नहीं करना होगा, बल्कि सरकार उन्हें अनुदान देगी। सामान्य श्रेणी के लिए 5 लाख या लागत के 50% में जो कम होगा अनुदान मिलेगा। SC/ST को 9 लाख या लागत के 75% में जो कम होगा वो मिलेगा। ज्ञात हो कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि किसान गोदाम नहीं होने के कारण अपनी फसल को औने पौने दाम में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन सरकार के इस पहल के बाद किसानों को काफी राहत मिलेगी। वंदना प्रेसी ने इस बात की जानकारी दी है। 3 जनवरी के बाद ही बिहारवासियों को मिल सकती है ठंड से राहत। सर्दी का सतम झेल रहे लोगों के लिए अहम सूचना। IMD पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय में ठंड से लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग पटना की माने तो बिहार में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना बनी रहेगी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ठंड और कोहरे की स्थिति बने रहने वाली है, यानी कि साफ है कि बिहारवासियों को फिर से ठंड से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी सुबह से ही शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। भले ही धूप निकली, लेकिन लोगों को धूप से कुछ खास राहत नहीं मिली, जिसके कारण लोग अपने घरों में ही दुबके नजर आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस के साथ हुई बैठक। विधानसभा चुनाव भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन बिहार में भी सियासी सरगर्मी तेज है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक करवाए जाने के लिए बिहार की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते दिन बिहार पुलिस के साथ बैठक भी की गई। दोनों राज्यों में पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया। इस दौरान शराब तस्करी रोकने के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही तस्करों की नकेल कसने पर भी नए तरीके पर मंथन किया गया। बैठकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया गया। बक्सर पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी मिली है। साथ ही ये भी बताया गया कि यूपी के 4 संगीन मामलों की अपराधी बक्सर में शरण लिए हुए हैं। बक्सर पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही फिलहाल यूपी के 4 संगीन मामलों के अपराधी बक्सर में शरण लिए हैं, इस बात की जानकारी भी दी गई। भारत से नेपाल जाने के लिए यह सर्टिफिकेट होना जरूरी। अगर आप भी भारत से नेपाल के बीच में यात्रा करते रहते हैं तो आपके लिए अहम सूचना है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी कोविड 19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके बाद ही अब दोनों देश के बीच खुली सीमा से आर पार होने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा बल नेपालियों से वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इसी तरह नेपाल के प्रहरी भी प्रमाण पत्र देखने के बाद एंट्री की इजाजत दे रहे हैं, जिसके बाद सीमा पर आने जाने वालों की संख्या में अचानक कमी आई है। इसका असर भारतीय क्षेत्रों में नेपाली पर्यटन पर भी आश्रित जोगबनी बाजार पर पड़ा है। हालांकि दोनों तरफ से अधिकारियों का कहना है कि कोविड 19 का प्रसार रोकने के लिए ये बेहद ही जरूरी कदम है। की जा रही है रफ्तार, लेकिन एक तिहाई ऑक्सीजन प्लांट चालू ही नहीं। बिहार में कोविड 19 के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि इन सबके बीच उम्मीद यही थी कि बिहार में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिए जाएंगे, लेकिन आलम यह है कि बिहार में एक तिहाई ऑक्सीजन प्लांट चालू ही नहीं किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कोविड 19 की तैयारियों पर असंतोष जताया है। इसको लेकर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से हलफनामे में विरोधाभास पाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। 23 दिसंबर 2021 को बिहार के ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने को लेकर एक मॉक ड्रिल किया गया था। इसके बाद बिहार के ऑक्सीजन प्लांट में गड़बड़ी पाई गई थी। इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया।
में मार्च महीने से 12 से 14 साल के बच्चों को लग सकता है टीका। देश भर में कोविड 19 की तीसरी लहर की मार देखने को मिल रही है। हालांकि ये मामले कितने दिनों तक अपनी ऊंचाई पर रहने वाले हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार समेत पूरे देश में मार्च महीने से 12 से 14 साल तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। इसको लेकर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलते ही 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाने की तैयारी में सरकार भी जुट गई है। इसको लेकर टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख एनके अरोड़ा ने जानकारी साझा कर दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार समेत पूरे देश में 15 से 18 साल के किशोर को फिलहाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत टीका दिया जा रहा है। वहीं जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू होने वाला है, जिससे आने वाले समय में कोविड 19 की इस लड़ाई में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। बिहार में अगले सप्ताह से शुरू होगा 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम बिहार के 18 जिलों में शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने कर ली है। राज्य में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। पहले चरण में 20 जिलों में सर्वे का काम शुरू किया गया था। इन जिलों में सर्वे का काम मंजिल के करीब पहुंचते ही सरकार ने बचे हुए 18 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा में भी विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए 18 जिलों के डीएम को कहा गया है कि जिले में बंदोबस्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से 4 कमरे और 1 हॉल वाला बंदोबस्त कार्यालय बना दिया जाए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत रोड रिस्टोरेशन में तेजी लाने का जारी हुआ आदेश। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नमामि गंगे परियोजना के तहत लगातार बिहार में काम किया जा रहा है। इन्हीं में से 2 काम की पूरी जानकारी बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से ली, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हो रहे काम के दौरान काटे गए रोड का रिस्टोरेशन जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान साफ तौर पर कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में आम नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिकारी संवेदनशील प्रयास करते रहे। नमामि गंगे और अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कई जगह परिसर में काटी गई है। इस के रखरखाव और रोड रिस्टोरेशन के लिए नगर विकास आवास विभाग के अधिकारी पथ निर्माण विभाग के साथ आवश्यक समझ बनाकर जल्द से जल्द काम करें। एनटीपीसी रिजल्ट में सुधार के लिए आज ट्विटर पर चलेगा हैशटैग अभियान। रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट में सुधार की मांग बीते कई दिनों से हो रही है। मार्च 2019 में लगभग 35,000 पदों के लिए रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी। सितंबर 2020 में डिजिटल प्रोटेस्ट के बाद सीबीटी 1 परीक्षा की तारीख घोषित हुई थी। 1 दिसंबर 2021 को डिजिटल प्रोटेस्ट के बाद रेलवे की तरफ से रिजल्ट प्रकाशन की तारीख 15 जनवरी 2022 बताई गई, जिसके बाद रिजल्ट तो पहले आ गया, लेकिन रिजल्ट आते ही देशभर के अभ्यर्थी काफी आक्रोशित दिखे और रिजल्ट में सुधार की मांग कर रहे छात्रों की माने तो 20 गुना रिजल्ट यानी लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया जाना चाहिए था, लेकिन रेलवे की तरफ से एक ही छात्र का 4-4 जगह रिजल्ट देकर 20 गुना रिजल्ट देने की बात कही जा रही है, जबकि स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से सिर्फ 2.5 से 3 गुना रिजल्ट दिया गया है, जिसके बाद आज परीक्षार्थी डिजिटल प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि आज रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट में सुधार के लिए देशभर के स्टूडेंट्स हैशटैग अभियान चलाने वाले हैं। जदयू अपनी पार्टी को करेगी मजबूत। जदयू जल्द ही अपनी पार्टी को मजबूत करने वाली है। इसको लेकर बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निर्देश पर स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान को लेकर वर्चुअल माध्यम से बिहार प्रदेश जदयू की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में उमेश सिंह कुशवाहा, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला संगठन प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विधान पार्षद और प्रदेश कोषाध्यक्ष ललन सराफ ने संबोधित किया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि विगत वर्ष से स्थगित स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान को शुरू किया जाए, जिससे पार्टी का अर्थतंत्र मजबूत हो, पार्टी के विभिन्न संगठन कार्य, अन्य राज्यों में संगठन विस्तार और चुनाव जनसरोकार के मुद्दे पर बड़े अभियान और 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बेहद ही अहम अभियान माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2022 से होने वाली है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा करेंगे। ने अखिलेश यादव को रिश्तेदारों जैसा हर्ष होने की कही बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में दलितों का वो हाल करेंगे जो बिहार में उनके रिश्तेदारों का किया गया था। मांझी का इशारा साफ तौर पर राजद के तेजस्वी यादव की तरफ था। जीतनराम मांझी ने इसको लेकर बीते दिन एक ट्वीट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इतिहास पढ़ने का नहीं सीखने का विषय है। बिहार से अगर अखिलेश यादव को कुछ सीखना ही है तो शायद भीम आर्मी को नजरअंदाज नहीं करते। वैसे जो हाल बिहार के दलितों ने उनके रिश्तेदार का किया है, उत्तर प्रदेश में वही हाल अखिलेश यादव का होने वाला है। भाजपा ने फिर से जदयू को मर्यादा में रहने की दी सीख। एनडीए में इन दिनों वाक्य युद्ध जारी है।
बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जदयू नेतृत्व ने भाजपा नेतृत्व और पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। फिर क्या था, भाजपा नेतृत्व का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद सोमवार को अपने फेसबुक पोस्ट पर संजय जायसवाल ने लिखा कि माननीय जी को यह समझ आ गया है कि एनडीए गठबंधन का निर्णय केंद्र द्वारा है और बिल्कुल मजबूत है। हम सभी को साथ चलना है, लेकिन एनडीए गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम सभी को मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। यह एक तरफा अब नहीं चलेगा। इस मर्यादा की पहली शर्त है कि देश के प्रधानमंत्री से ट्विटर ना खेला जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देना अच्छे से जानते हैं। विधान परिषद चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जल्द ही होगा कोई फैसला। पंचायत चुनाव के बाद इन दिनों बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के चर्चाएं जोर शोर से हो रही है। हालांकि चुनाव का आयोजन कब किया जाएगा इसको लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी तो अब तक निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी कमर जरूर कस ली है। इसी बीच महागठबंधन में जहां एक तरफ कलह की बात आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बीते दिन ऑल इज वेल के संकेत दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों को लेकर चुनाव जल्द ही होने वाले। सभी दल इस चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। बिहार में इस बार महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर एनडीए को पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि राजद से अभी हमारी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हम लोग विधान परिषद के चुनाव को लेकर जल्द ही बात करने वाले हैं। बिहार में लागू हो राष्ट्रपति शासन। बिहार में शराबबंदी कानून कहने को तो लागू है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है यह आज हम सभी को पता है। शराबबंदी की आड़ में लगातार दैनिक शराब का सेवन करने के मामले सामने आने के बाद विपक्ष को भी अब मुद्दा मिल गया है। यही कारण है कि विपक्ष एक भी मुद्दा नहीं छोड़ रहा है सरकार को निशाने पर लेने का। वहीं एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास के अध्यक्ष ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की बात कह दी है, जिसके तहत चिराग पासवान ने बीते दिन साफ तौर पर कहा कि शराब तस्करों को शासन और प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। बिहार में शराबबंदी के अलावा और किसी बात की चर्चा नहीं होती। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। अब महामहिम से मिलकर कहा जाएगा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। समय आ गया है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। रोहित शर्मा नहीं बल्कि केएल राहुल को बनाया जाए टेस्ट कप्तान। विराट कोहली के संन्यास के बाद लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि अगला कप्तान भारतीय टीम का कौन होगा। इसको लेकर ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सेक्रेटरी संजय जगदाले का मानना है कि विराट कोहली की जगह भारतीय टेस्ट टीम की कमान रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को सौंप दी जानी चाहिए। राहुल 29 साल के हैं और अगर कप्तान बनते हैं तो टीम इंडिया को लॉन्ग टर्म टेस्ट कप्तान मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। विराट ने 2021 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीकी दौरे से पहले उन्हें वनडे कप्तानी के पद से हटा दिया गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सन 1930 में महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सहयोगी मीराबेन ने 1959 में भारत छोड़ा। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने 2009 में सौरभ गांगुली को सोने के बैट से सम्मानित किया। क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली का जन्म 1972 में आज के दिन हुआ था। भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी अर्पणा पोपट का जन्म 1978 में आज के दिन हुआ था। 1996 में अभिनेता और राजनीतिज्ञ एनटी रामाराव का निधन हुआ था। 2003 में मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक और कवि हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ था। 2013 में भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री दुलारी का निधन हुआ। ट्विटर ला रहा है टिकटॉक जैसा फीचर। ट्विटर एक ऐसा फीचर जोड़ रहा है जिससे इस्तेमाल से यूजर फोटो और वीडियो के जरिए ट्वीट पर रिएक्ट कर सकेंगे। टिकटॉक जैसे फीचर को कोट ट्वीट विद रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा और ये रीट्वीट मेन्यू में उपलब्ध होगा। इस पर टैप करने से यूजर किसी ऐसे ट्वीट पर रिएक्ट कर सकेगा जिसमें इमेज या वीडियो का मूल ट्वीट एम्ब्ड हो गया हो। ट्वीट टेक्स्ट नाम से फीचर टिकटॉक के वीडियो रिप्लाई के समान है और फिलहाल iOS पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। ट्विटर ने 7 जनवरी को नए फीचर के बारे में घोषणा की। नए फीचर के लाइव होने से यूजर कोट ट्वीट विद रिएक्शन ऑप्शन वाले ट्वीट के लिए कस्टमाइज्ड रिएक्शन वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,450 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,970 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है चंचल शर्मा, नेहा सिंह, बिट्टू कुमार, गौतम यादव, पंकज कुमार दास, मनी श्री, राजीव कुमार, ललन केसरी, अमित कुमार, ललित कुमार, राजीव कुमार, मुन्ना कुमार, सिंटू राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में मौजूदा COVID-19 संक्रमण को देखते हुए क्या बिहार सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को 21 जनवरी के बाद भी बढ़ा देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।